कहा कह रही है बता। तुम्हारे घर में तुम्हारे से मुझे बहुत परेशानी है। तो अब देख मुंह पे कछु हो तो कत तो ना परेशानी तो होती है ये खाकर। मेरी मैया बाप ने शादी कर तू कछु नहीं देखो के चलो घर में कमजोरी आती तो आदमी तो कमजोर नहीं होना चाहिए। तो कहा करो जैसा भगवान ने दो तैसो ठीक है। तुम भी ना तो कछु काम धंधा हो और न कछु ऐसा वैसा काम धंधा हो और मेरी जीव तुम्हारी से ऐसी खतरनाक है नई नई चीजें पे मेरा मन चलता है। भैया तू पाई मने चला हूँ अपन जा रहा हूँ दो एक आध दिन आगे घूमे फिर भी मैं तो तुम्हारे से बहुत परेशान हूँ।
खीर पे मनुई चल रहा है तो कचू नियम कर लू चीन तो है अरे वो चमकनी भाभी वो चमकनी चमकनी भाजी हूँ मौजी मौजी हमें तो मैं कल से लगा तू तेरी भाजी ठेले और को लगती है अरे मेरे शर्म करो देख ले तुम हमारे बिल्कुल बड़े हो सो बड़े हैं सो तो मैं भाजी लगी तुम्हारी वैसा तू कछू कह लगा तो मेरी भाजी है जी नहीं तुम्हारे सब तो हमसे बहुत बड़े हो वैसे भौजी कहाँ जा रही हो तुम जी बताओ मैं हाँ तुम इन बात में काय पूछ रहे हो उसको जी भौजी ना है तुम्हारे लगाते अरे भौजी ना लगा तो और को लगाते हैं देखो हमारे भी अपुन होते हैं तो बेटा तुमसे भैया कहते हैं कौन थे तुमसे वैसे ही तुम्हें भूल है वैसे ही अंदाज कर रही हो तुम कहीं बराबर कैसे हो वो तो बहुत छोटा हूँ बनते तुम्हारे आदमी तो बहुत छोटे है हम बिल्कुल अरे सही में तो मैं मुंह खोल रहे हूँ बिल्कुल और भौजी कह रहे हैं तो मुँह नहीं खोलोगी तो ले जी बता दो जाए कहा रही हो भाभी मैं हाँ अब तू क्या पूछ रहे लला पूछ ही रहे तो ले सुनो मैं कहा जा रही हूँ कहाँ जा रही हो अरे तुम मेरी भौजी मैं त्यारो देवरा भौजी अरे भौजी तो काम ही ठीक है जय अरे तुम मेरी भौजी मैं त्यारो दीवारा और कहो तो भौजी त्यारो डारे आऊं गुबारा और का तो देवर तुम हम पे राजी हो है अरे भौजी अरे तुम मेरी भौजी मैं त्यारो दीवारा कहो तो भौजी त्यारो डारिया गुबारा ये बताओ तुम कहाँ जा रही हो आज मैं हाँ सुन ले अरे खीर पे मनो मेरा चले रहो दीवारा खीर पे खीरे का जे अरे भाजी अरे खीर पे मनु मेरा चले रहो दिवरा दूध मांग बे जा रही दिवरा अच्छा तो भौजी तुम दूध मांगे जा रही हो हाँ और सुनो
अरे खीर पे मनो मेरा चले रहो दीवरा, दूध मांगी में जाए रही दीवरा, अरे खीर लाल के मैं तो खाऊंगी भी मर गई दैया, आए हरे दैया, सो देवर को सिखेत धर्म की बात। मैं जम आई भारी मत चलो लला तो भौजी एक बात बताओ, तुम्हें जे तो खूब मालूम है कि हमारे यहाँ 2.5 क्विंटल दूध और रोजाना होतु है, क्योंकि हमारे यहाँ दूधों को काम है। तुम दूधों काम करते हो? ले तुम्हें जेऊ ना मालूम? तो हमें 2 किलो दूध दे दियो। अरे 2 किलो ही बात कर रही है भौजी, तो? जा परे तुम लाज खोल लो। लाज ले खोल लूंगी। दूध की चिंता मत करो तुम, सुनो। अरे दूध की चिंता मत करो भौजी, अरे दूध की चिंता मत करो भौजी, दूध ते तुम्हें हनवाए देगो दीवरा, इतना दूध हो तुम्हें तुम्हें कहो तो हनवाए दे दूध में। अरे भौजी बस धीरे धीरे बोलो जा, कोई सुन नहीं ले, बस ये बता जाओ कितनो दूध और कब कितने घन में लेके आ जाऊं घरे। घरे ही ले आवेंगे, चिंता मत करो तुम। एक छोटी सी छोटी सी जमा दूंगी, तो 20 किलो की एक कैन ले आऊं छोटी भाई। 20 किलो की नहीं बस 50 किलो आई लेता ही हो भाई, ले आएंगे ऐसी को बात है ना। अरे जो देवर मेरे है जाए मन की, फिर मन क्या रहे देवर, आज भारी मन चलाओ खीर पे। अरे चिंता मत करो भौजी, दूध की तो कोई चिंता ही ना आते। अरे जो देवर मेरे है गए मन की, खीर खाई मैंने बहुत मिलन की, और तुम के बजे आवे? के बजे आ जाऊं बता दो मुझे, 8 बजे। 8 बजे तक तुम आ जाइ मरी दैया, आए हरी दैया, दैया रे तुम यही हो देखे जते में। नो कही भौजी, हाँ? के बजे आ जाए? 8 बजे। 8 बजे आ रही हो? चिंता मत करो भौजी, ना तो 5 मिनट पहले और ना 5 मिनट बाद में। तुम्हारी भैया का लगी घर पे? तोरी बढ़िया सही, 8 बजे घड़ी ते लगाए के हम आ जाएंगे। भी तो अपनी ससुराल के लग गए। तो ठीक है जान दो भौजी, और हम तुम्हारे लिए दूध लेके 50 किलो की पूरी केन, 8 बजे आ जाएंगे भौजी। ठीक है, हाल कुंडी खोल दूंगी। ठीक है तो, ठीक है तो जाओ देवर। हाँ जाओ, आ जाइयो। अरे जरूर है, ऐसी वैसी बात ना है, मैं जरूर आवे हूँ। हाँ, अब आगे जा रही हूँ। अरे भौजी को ले तो हमें ना पहचानती। मैंने ना पहचानी तुमको, बड़े ले बड़े कह रही हो हमते। तो को तो हम तो तुम आए देवर लगते हैं। अरे दैया जगह में सब मेरे देवर ही लगते हैं। हे भौजी बिनसो तुम्हारे भी अपनो है। हाँ? बिनसो हम छोटे हैं। उन तो छोटे हैं तुम। हम कम से कम 10 साल छोटे हैं बिनतन थे। तो तुम्हारे बात तो बिल्कुल सफेद आ गए हैं। कहाँ तुम्हें कहाँ सफेद दिख रहे हैं, ऐसी ऐसी मूछ बड़ी है तुम्हारी। अरे भौजी कल तो हम डाई करवाइए, तुम सफेद बता रही हो। बेर जी बताओ भाभी। हाँ? तुम कहाँ जा रही हो? हम? हाँ? हम तो जा रहे तो जो आ रहे तो हटो हमारे रिश्ता से। अरे भौजी बताओ। मैं तो अरे भौजी ना लगाती। तो को लगाती हो? मैं तुम्हारी को लगाती हूँ। को? बहू। वैसे ही कह रही हो तुम, तुम्हारी किस्म भौजी, हमारी तो तुम भौजी लगाते हो। तासे तो ना भौजी लगाते, हमारे आदमी का चुका भी और तासे सब लोग गाँव में भौजी हमसे कहा। ना ना मैं ही तो भौजी लगाते हो, वैसे और काउ की मुँह मालूम ना। तो मेरा मुँह देख ले के तो ना कह रहे। मुँह देखने के लिए तो ना कह रहे भौजी। अरे ना ऐसी बात ना भाई, भौजी लगते हो तुम। अच्छा हाँ, तो मुँह खोल के दिखाऊं तुम्हें? दिखाई दो तो और ही बढ़िया बात है। ए ले। अरे भौजी मर गए भाई जी। बताओ भौजी कहाँ जा रही हो? हम? हाँ हम जा रही है, लड़का तो जा रही है, और तुम पे हमारे जुगाड़ की कुछ चीज हो तो बताए। बताओ जुगाड़ की तो करी जाएगी। तो ऐसा है हमारा मन वाली खीर पे चल रहा
खीरे पे हाँ। और दूसरे का इंतजाम तो हम नहीं कर लो हैं। पर हमारे घर चावल ना आया थे। चावल ना आता हाँ? तो भौजी चावल ने को तो तुम माले हमारे यहाँ बोपार हो तू है तो हाँ चावल तुम्हारे आते हैं। अरे तुम्हें चाहिए जितने 50 किलो 20 किलो तुम कितने चाहिए? वैसे तो हमें बस 2 किलो दूध में और 1 किलो चावल की जरूरत है। अरे तुम बोपारी हो तो 50 किलो को बोरा ले। अरे भाभी तुम चिंता ही मत करो। सुनो भौजी अरे तुम लौट के घर को जाओ के चावल लाऊंगा लियो खीर बनाए बैठ संग खाऊंगा। कितने चावल ले 50 किलो? अरे एक कट्टा 50 किलो का लेता ही हूँ। पूरा पूरा ले आई पूरा ले लेगी तुम? अच्छा कुछ खीर बना लूंगी कुछ भात बना लूंगी कुछ पिड़कू रख दूंगी और ही पे गुजिया बना लूंगी। ठीक है भौजी चिंता मत करो। तुम लौट के घर को जाओ मैं चावल लाऊंगा लियो खीर बनाए बैठ संग खाऊंगा। और भौजी हाँ? बढ़िया भाई चावल लावे हो वैसी ले हो बासमती कहते कौन से कहते मैं चावल लाऊ कितने तुम मोए बता दे इतने कितने ले हो 50 किलो कम इतने नहीं काम चलेगा। मैं चावल लाऊ कितने बस मोई बता दो इतने न देर लगाऊंगा लियो खीर बनाए बैठ संग खाऊंगा। तुम लौट के भौजी जाओ मैं चावल लाऊंगा लियो खीर बनाए बैठ संग खाऊंगा। और भौजी कहा ले ला? एक बात और बताओ मोए देव तुम्हें टेम ही बताई अकली मिलियो भौ जाई भैया तो मुझे वही तो पूछ रहे हैं हम टाइम बताओ कितने बजे मैं आ जाऊँ चावल लेके। मैं तो कल भी चली गई मैं अकेली हूँ घर में बिल्कुल और तुम आ जाइए 8:30 बजे आ जाओ तुम है सही तब तक मैं दूध गर्म करके रख लूंगी पहले दूध पियो फिर खीर खाऊंगी दोनों। अरे बहुत ही आनंद ही है मोए दिया टेम बताई अकेली मिलियो हो जाई मैं मौज उड़ाऊंगा लियो खीर बनाए बैठ संग खाऊंगा। तुम लौट के जाओ हो जाई मैं चावल लाऊंगा लियो खीर बनाए बैठ संग खाऊंगा। अरे हम तुम्हारे देवर हैं भौजी चाहे सो कहो तो लल्लू तुम 8:30 बजे आ जाएंगे। ठीक है भौजी 50 किलो कट्टा लेके हम हाँ। और 8:30 बजे तुम्हारे घरे आ जाएंगे। अन्यू कहीं टाइम न चुक जाइयो। अरे भौजी हमारे घड़ी कल ही लगी हम देखते रहेंगे एक मिनट इतने भी तो नहीं होंगे तो अब मैं जाऊं अरे ठीक है भौजी जाओ। चावल की तो जुगाड़ बन गई चीनी की और बना लू आज खीर तो खाए के चलाऊंगी। अरे भाभी को अरे कहाँ जा रही हो तुमको हाँ? हाँ? अरे तुम्हें मालूम ना है
तुम तो भी हो? अरे हाँ, हम मंगे रोहिना के राम भी तूफानी है। तो तुम तो हाँ वीर के चाचा लग दो। कितना के? हाँ अपन के। हम? हाँ। अरे हम कितने छोटे हैं भैया थे? तो तुम को ले तो हमारे। अरे तुम हमारी भाभी हो, हम तुम्हारे देवर लगते हैं। तुम? हाँ। हाँ तो ये राम में कुछ और लगे तो मेरा कोई के सब देवर ही लगते हैं। अभी तो हमारा ब्याह ना हो। तो जाको मतलब तुम्हारा ब्याह नहीं भाई, 80 साल तक तो हमारे देवर ही लगोगे। और काबू था भाई? तुम नहीं लगे तो मेरे देवर। अरे देवर हैं हम, सही बता रहे हैं तुम्हारे किसान भाभी? नहीं। अरे हम बहुत छोटे भैया थे। सही बताओ। सही बता रहे हैं? तो मैं घूंघट खोल लूं? हाँ खोल ले। अरे जी तो हम चाह ही रहे हैं घूंघट खोल के दिखाई दो। तो ले। हाँ सही है भाभी। हाँ? तो तुम्हारे किसान बड़ी अच्छी लग रही हूँ। तुम्हें अच्छी लग रही हूँ? और का तुम हो ना, तुम अच्छी लग रही। और तुम्हें कैसी आई, कहाँ चाहिए तुम्हें? सुन ले कैसे आई हूँ। हाँ कैसे आई हूँ बताओ। और खाइबे को खीर हमारा। सुनो लला, आज कैसी जीव खराब हुई है मेरी? अरे खाइबे को खीर हमारा जी अरे
बात है? तुम 8:30 बजे आ जाइयो चक्सी राव। 8:30 बजे? हाँ 8:30 बजे आए के। अच्छा, और हमारे द्वार की कुंडली में खटखटा आवाज लगा दियो। अच्छा, हम तुरंत ही खोल देंगे कुंडली और तुम भीतर आ जाइयो। भाभी ऐसा करियो, तैयार रहियो हैं? मैं तो तैयार हूँ। और मैं तो तुम्हारे जी में बहुत चाहता हूँ। अब आगे देखूंगी, आज सवरे गांव में जी देखना है कि मैं गांव की कछुआर लगूंगी कि सवरे की भाभी लगूंगी। को मोदी, ओ मोदी, आओ की को आए तो मोदी कहाँ जा रहे हो मोदी? अरे दैया अब काम मत जाओ कि कुआं में गिर जाओ, बताओ ऐसे डोकर हमसे और भाजी कान लगे। अरे भाजी कान जा तुम हम कहाँ में बता दो भाजी। हम जा रही है तो जा रही है, पर जो बताओ तुम्हारा मरगट्टा बांट जा रहा है और हम तुम्हारी भाजी लगाती हैं। ये हमारी तो भाजी तुम्हें बहुत चीज लगाती है। और से आओ तुमको लगा था हमारे बिन के भैया बे हमारे भैया लगाते हैं बड़े और तो उनसे छोटे हैं। हम तो बहुत छोटे बहुत। भाजी तुम जी बताओ कहाँ जा रहे हो पहले हमें बताओ। हम जा रही है तो जा रही है, पर लेकिन जो बताओ कि हमसे भाजी कौन सा रिश्ता में कान लगे तुम्हारे पेट में आतना और मुंह में दांतना खुल खुल कर रहे हो। अरे भाजी तुम्हारे जादू पलंग देख कर तुम जो अंदर आते है तो तुम्हें कुछ हमारा कहीं दे पा रहा हूँ। अरे भाजी तुम उठा ले हुए हाल। अरे भाजी ना कितना सड़क के निकल लगाती है ये भाजी। तुम गांव के प्रधान जी होते हुए तुम्हें बिल्कुल है शर्म ना आती कि कौन लगाती तुम्हारी? ए वो हमारी तो बहुत ही लगाती है ये तुम होते। तुम तुम्हारी को लगाती हूँ मैं नती बहू। अरे बहुत जी झूठ काहे को बोलते हो? तुम्हारी सब ये डुकरे में जवानी ही बताओ कहाँ करूँ कहाँ जाऊँ रे गाँव में। वैसे कहाँ जा रहा हूँ बहुत जी? हम हाँ ऐसा हो कि हमारे भी अपन होते नहीं है अपन हमारे। हाँ अब इनको नाम तो तुम जानते ही होंगे। बेटा मुझे ध्यान ना अब ठीक है जानता होंगे तुम बताओ भौजी कहाँ जा रहे हो? बिनकी का तबीयत खराब आती तो काऊ ने उन्हें पैसा ना दे दवा को तो हम काऊ से लेन जा रहे हैं कि कोई हमें 500 रुपया दे दे। ये भौजी 500 नहीं कैसे दे दो जी लो लाओ। बेटा तुम जाओ अब मेरी जेब में तो मैं संजा को लेके आ जाऊँ तुम्हारे घर। ठीक है भौजी। ठीक है प्रधान जी, पर बात एक है। कौन सी बात है भौजी? तुम अंदर कह रहे सबका बहुत जाऊंगा टे खोल लो ना का भाजी। तुम्हें कुछ दिखा दूँ? अरे भाजी ना कब घूंगा टू खुल जाओ तो मनु बहन जाओ भाजी। तुम्हें घूंगा टू कुछ दिख गया तो अरे आंखें तो हटी ना बिल्कुल। अरे भाजी हम सुपर नहीं लगाए के देख जाएंगे ना का भाजी। तुम आओ करंट खत्म भाओ ना। अब तो करंट बुढ़ापे में बंद ना हो भाजी। तो बता रही हूँ बताओ भाजी ना का टाइम तो बोलो ठीक है। अरे भाजी वो तो कुआ ला ला तो आता ही है तुम आए। तुम प्रधान जी पे और क्या करूंगी? हाँ ठीक है। 500 रुपया लेके और कितनी टाइम पे आ जाओगे? भाजी बता दो हम भाई टाइम पे आ जाए। तुम्हें अंधेरे में रहता हूँ तो ना आ तो। अरे भाजी हमें बड़ी दूर नो दी खतु है। अब तुम्हें मेरी आंखें दिख रही हैं? खूब दिख रही है, काजल लगो गए मेहनो मेहनो तो ये डुकरा है सब दिशा दिखा दूं। भाजी बताओ ना कर जल्दी। सुनो क्या भैया वे, अरे और कछु में जानत नहीं, ज्यादा बात नहीं कर जान दे। हाँ भाजी बताओ। अरे और कछु में जानत नहीं पर इतना करूँ सारा और 9 बजे पे आ जाइयो तब होगो मेरा तेरा प्यारा। अरे भाजी हम जी तो पूछ रहे भाई को टाइम तो तुम 9 बजे करेक्ट हमारे द्वारे आ जाओ। ठीक है। और जैसे द्वार पे आओगे तो हमारे द्वार में और किवाड़ में खटखट कर दियो। अरे भाजी ये हम लठिया बा खतरे लठिया गई छोट को टुकड़ दिए और ने कौले ते वे मेरे नेवर काम फैले जावे
मन की मन में रह जागी तू खीर खाए नहीं पावे। ठीक है बहुत जी ठीक है। तुम आ जाओ 9 बजे कनेक्ट। अब हम जाए, अब आगे जा रही हूँ। कड़ी का जब प्रधान हुए आज एंगल लाए तुम्ही कैसी जी भाजी बना रहे हो जाकर मर बेटा वाट चाह रहे हुए। आगे जाती हूँ। ये छम्मा छम्मा होते आ रही भैया दिक्कत तो कछु गतो ना हमें कौन भाजी। अरे मैया अब बता दे अंधे हो कौन से भाजी काटे कहीं खाने रेस्ता हो ना ठीक है और कैसे भाजी कान लगो है। ओ चमकानी भाजी देख लो अब कहा करूँ। ओ चमकानी भाजी यू बताओ तुम कौन हो। ते तुम हमें ना जानती। मैं ना जानती। हम सूरदास है वही रोज ढूंढता रहता है गाँव में। सो सूरदास हो तुमने मैं कैसे पहचान ली। ए भौजी छम्मा छम्मा होते आ रही हमारे सिवाय चमका नहीं भौजी की और को ना। तो हमारी आवाज से ही पहचान लो तूने हमें। आओ भौजी। तो हम तो आई भौजी काय से लगते हैं। ए भौजी हम तो भैया तन के 15 साल छोटे हैं। तो हम में सबरो गांव में छोटा है। हम तो जी जानते कि हमारे आदमी से कोई बड़ा हाथ ही ना या दुनिया में भौजी। हां न कहवे तो तुम्हें टटोई ना हम। हाय नैया जो है का ना जमाने में कि कोई आदमी जई ना कहो के जे हमारी को लगते है या टटोई ले जीव मरो यारो कहीं का अंधा भौजी। हां कैसे तुम्हें कछु जरूरत हो तो बता दे अपन ने कि भौजी हमाओ क्या लो करिए भौजी। अब बता जाऊं ख्याल करूं मैया किन किन को करूं जगह में एक के हो तो कर ले हो कछु बात हो ना है पल्ला जाऊं देख लूंगी अंधे हो किला करवाए दूं इल्ले ते सगाई न्यू कही भौजी। ओए ने काम आई बात सुनो भौजी तुम बता दो मैं कछु ना है वो तो जगती भौजाई बैसे हो गई और बैसे हो गई। अरे कहां जाए रही भौजाई रे बतलाए दे देवर को। कहां जाए रही भौजाई रे बतलाए दे देवर को। भौजी मने कहीं चली गई का भौजी भौजी ने कहते हैं आओ। अब काय तुम मेरे देवर ही लगा तो तुम्हें कहां जाऊंगी। भौजी यो देखियो को उतरते है तो ना है ना कोई ना है तो। अरे कहां जाए रही वो जाई रे बतला दे ओ देवर को। कहां जाए रही वो जाई रे बतला दे ओ देवर को। तेरी चाल मेरे दिल में खटक रही और कहीं का अनुभव तेरे में खटक रही चाल। भौजी चम चम भौजी अरे तेरी चाल मेरे दिल में खटक रही और भौजी मरो कहीं का इतनी दूर से ही मरो ये रोए तेरे ऊपर मेरी लार टपक रही। भौजी का करें भौजी तेरे पिछाड़ी मेरी लार टपक रही। तू लगे रही पेठे की मिठाई रे बतला दे देवर को। कहां जाए रही भो जाई रे बतला दे देवर को। भौजी ने कहा हमारा हाथों ने कहा पे गाल ने पर फिराई दिए भौजी तेरा हाथ तो। हाँ भौजी अरे खाए पहले जो बता देने का झोल लाओ भीख मांगने। ये भौजी हम तो बहुत तवे देवर बनाऊंगी। भौजी वो तो कछु धरो है जा अपनी बात फैली है पहले मुझे
भौजी ने कहा हाथ दो गाल तेरे भैया गुलामी दो गाल तेरे भैया गुलामी भारी मन चल रहो मेरो भावी भौजी भौजी है तेरा जो बनु बालू साई रे बतला दे देवर को कहाँ जा रही बो जाई रे बतला दे देवर को कहाँ जा रही बो जाई रे बतला दे देवर को भौजी अरे भौजी अरे भौजी मुँह का दी का तू के बज रही होंगे भौजी अबे कह रही हूँ अभी तो सात बजे तो भौजी हम के बजे आ जाए तुम आओगे अरे भौजी तो ऐसो ऐसो मैं तुम तो बता देती हूँ बताओ भौजी तुम आ जाइयो हमारे घर 9:30 बजे 9:30 बजे और का ठीक है भौजी और 9:30 बजे से फिर क्या करोगे घर आके क्या करे भौजी आए के और हमारे पिछवाड़े आ जाइयो अखबार मत आइयो पिछवाड़े हाँ पिछवाड़े भौजी का पिछवाड़े आके देखियो और माँ पे धड़कन से नीचे आओ भौजी हम आके नहीं थे अंधे हम कान से नहीं धक्त फिरे भौजी वो तो अंधा जो हमें लेकर पिछवा रहे हैं भौजी हम कैसे पहुँचेंगे बता देंगे और माँ पे धड़कन से नीचे आओ अकेली सो पासरी में धड़कन से नीचे आओ अकेली सो पासरी में भौजी तुम्हें माल मनाई हवे ताकि यहाँ के फूट जाते बाकी ये की खुन जाते भौजी हाँ सब अंदाज कर लें के बज गए अरे सारे अरे भौजी ठीक है भौजी 9:30 बजे आ जाएंगे हम कछ लेता ही हूँ मेरे लिए ये भौजी ठीक है हाँ भौजी तो मैं जा रही हूँ आगे जाओ भौजी जाओ अब अपने घर को जा रही होंगी भौजी तुम हाँ जाओ भौजी
लाओ पहले केवार लगा ले और घी बनाए भी रख दे पहले दूध ऑर्डर रख दे कड़ी खाए आ रहे हूँ लुक्का से वो बुआ जी कौन आए है? अरे दूध ले आए हम दूध ले अपन दूध ले आए हाँ तो ले क्यों खोलने हूँ अरे खोलो बुआ जी खूब आए नहीं जाए आ रहे जी ले बुआ जी जी दूध बहुत हुआ दूध बुआ जी दूध बाद में उठ जाएगा पहले तुम बैठो हमारे लिए नहीं तो दूध तो ऑटो रख देना मैं चूल्हे पे ठीक है बुआ जी डाल लो ले ले तुम दूध पी ले जाने से हाँ ठीक है बुआ जी बुआ हो जाने बुआ जी कुए बुए मेरी समझ में पूछ लेना तुम यही रहो कुआ चामर की बोपारी हो हाँ भैया हम चामर के बोपारी के बार खोलो ना अरे दैया दूध ये सुन रहे हो भी आ गए चावन की बोपारी खराब हो वो मेरी बदनामी कर दे उस गांव में तो मेरा दो भौजी अब कहूँ तो बका मुए तो मुँह पे कहा जगह नेक्स्ट घर में अरे भौजी मुझे तो बका को अरे आ रहे हो काहे को मरे जा रहे हो अरे भौजी पहले मुझे तो बका भौजी तो ऐसा है लला हाँ भौजी अब तुम तो भौजी कह करो मुझे और भौजी अब भौजी हम आज से तुम तो भौजी कहेंगे नहीं लेकिन आज हमें बचा लो कैसे तो आई भौजी लगती नहीं अरे अब तो हमारी भौजी ना लगते लेकिन आज हमें बचा है लो कैसे हो आ रही हूँ अरे भौजी बाद में जाइयो के बार खोलवे पहले हमें बचाओ पहले हमें बचाओ भौजी आज हमारी इज्जत को संभालो भौजी बिजो कह रहे बोरा रख के ढारे 50 किलो को अरे भौजी पहले हमें बचाओ तो तुम ऐसे मम्मू पे और तो कुछ जगह ना आती तुम नोट जाओ नोट जाओ और भौजी नोर के कहा हो तुम नोरा था पहले नहीं तो भौजी नोर के कहा हो जा ऊपर कारे कमरे डाल दूंगी तुम आए ऊपर और कोई आ रहा है तुम्हें बता दूंगी कि मेरी भैंस भी आ गई है जी भैंस का बच्चा है पड़ा है ठीक है भौजी ले हम नोरे जा रहे हैं और नेक रैक के सुनाओ कैसे रैक करोगे अरे भौजी हम ना कछु जाने नहीं बताओ नहीं पहचान जाओ तो बैल के बार बोलती हूँ नहीं अच्छा भौजी हाँ हाँ ऐसे कर दे करियो ठीक है भौजी ठीक है लाके बार खोल रही हूँ आयो लला आयो तुम आयो और भौजी हम चावल ले आए तुम्हारे लिए पूरा कट्टा ही उठा लाए हाँ पूरा कट्टा ही उठा लाए और क्या करें तो तुम बैठ जाओ पल गया पे पहले भौजी हम बतरा है ले बाद में पहले दूध पी ले तुम हाँ ले आओ तो तुम ऐसे तुम्हारे तो इंतजार कर रही बहुत दिन से मैं अरे भौजी जी लगते को और आएगा का चेक करो यही बैठो मैं देखा हूँ अरे भौजी पहले हमारा इंतजाम करो को है नहीं तो मैं पूछ ले को आए हाँ पूछ ले अरे भौजी को तुम अरे हम तूफानी है चीनी लेके आए होगा लला अरे अरे भौजी आ रही हूँ अरे हमें बचाओ भौजी पहले भी तूफानी आ गए चीनी अरे वो बहुत भंगी आदमी है बहुत बेकार आदमी बदनामी कर दे भौजी मैं अरे भौजी 50 किलो चावल के मैं हमारी वैसे एकदम भूली भौजी अब हमें तो बकाओ तो मैं तो 60 किलो चीनी ला रहे होंगे तू पानी अरे भौजी अब हमारा इंतजाम करो भौजी अरे रुको लला तू पानी आ रही हो जल्दी करो रोना क्या है जल्दी मैं कपड़ा पहन रही हूँ चुपचाप रहो कोई सुन ले होगी को आए वो भौजी पहले हमें दो बकाओ तुम ऐसा हो सेठ जी अब मुझे कोई इंतजाम करना मैं तुम्हें कहाँ धोखा लूँ तुम कड़िया जाइए अगर तू पानी के बगल रह गए अरे भैया तो के भैया भौजी तो भैया मत जाऊ मैं तो तुम ऐसा करो जी अपनी धोती कौन तो नहीं उतारो ये फिर और तुम पैर ऊपर कर लो और नीचे मुड़ करके खड़े है जाओ तुम्हारे ऊपर मैं कपड़ा डाल के दिया रख दूंगी कुन्ना में खड़ो है जाऊँ और का अरे भौजी जल्दी उतार आ रही हूँ ठीक है ले भौजी हम मुड़े के बार खड़े भाई जा रहे हैं करो तू पानी को क्यों नहीं तोड़ डाल रहे और हमारे ऊपर कपड़ा डाल के दिए धक्के हमें कोई जान नहीं पा रहे भौजी पैर मत हिला यो सब दिया गिर पड़े तो आए ऊपर भौजी चिंता मत करो ले हम मुड़े के बार खड़े हैं ले ला खोल ले की वाला ला अरे भौजी राम 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 अरे अबू यो तरबा जल्दी अरे पटको नीचे तुम बैठो ले
ऐसा करो भौजी। हाँ अरे हम तो बड़े परेशान है, ला पहले पानी फाई पिया। पानी नहीं दूध पियो मेरे देवर, बैठो तुम्हारे तो इंतजार कर रही मैं। हाँ अरे ठीक है, को आएगा बाकी? ओए मोदी ने को करवा लो को दीजिए मोदी। अरे भाभी लला तू पानी। हाँ अरे को आएगा? मो तो जो लग रहे के प्रधान जी आए। अरे तो मोए तो बका तुमने बहुत बुरो करो भौजी। अरे आ रही हूँ प्रधान जी। अरे भौजी जो का केवाड़ा खोल दो भौजी। तू पानी? हाँ कहा था भौजी। अब क्या करूँ मैं बताओ? अब मैं आपको इंतजाम करो। तो तुम आओ मैं क्या करूँ इंतजाम? हाँ भौजी बताओ जल्दी कहा करे हम। तुम ऐसा करो, तुम मेरे जी धोती पेटीकोट पहन लो बेरा कितने। अरे कुत्ता खा देता हूँ भौजी बाहर। रुक जाओ प्रधान जी, समझे ना तुम मेरी बात को। अरे जल्दी जल्दी करो भाभी जल्दी। तो तू पानी जी कपड़ा पहनो, मैं पेटीकोट बिलाज तुम। अच्छा कैसे पहनते हैं पेटीकोट? कहाँ पहनो जाता हूँ? पेटीकोट तो ऊपर से डाल लो और नीचे स्टेशन पर रुक जाओ अपने आप। अच्छा तो लाओ और ले। अब मैं धोती पहनो। अच्छा और तुम्हें 5 किलो को धरा भरो रखो चकिया पे और चकिया पीसियो। अच्छा ठीक है, जब कोई पूछे हो आगे तो कह दूंगी मेरी पड़ोसी ने आई है। अच्छा ठीक है, वो नहीं काम खराब है तुम्हारा। ठीक है ठीक है भौजी, कौन भौजी? अरे ले खोले दे दी के बाद प्रधान जी, तुम तो घबरा रहे हो। भौजी दम भूल गई, सांस भूल गई, भाजता टांग तो ना वे लेट है गए हम। आयो प्रधान जी ले बैठो। भौजी खटिया पे बैठो ले जो रुपया ले हो। पहले 500 रुपया दे। अरे भौजी जी ले हम तैयार ही आए हैं। बैठो पलका पे। अरे भौजी दूध लाओ तुम्हारे लिए दूध। अरे भौजी दूध रहन दे। तो क्या करोगे? अरे बता ही दे भौजी हम तो मैं पहले दूध लाऊंगी। अरे भौजी कसी के बाद में कट बाटा होते है भौजी। प्रधान जी मुझे तो जू लगाते है के बुए आएगो अंधुए। आप भीख मांगे तो तुम्हारे बामे गाँव अंधुए तो हम बढ़ा देंगे। तो बिड़ा दो तुम दरवाजे खड़ो है, तो हम बढ़ा देंगे। खोल देंगे कौन है अंधुआ? अंधुआ तेरी उस बिचारी माँ दा तू आ जा करना भीख मांग दो अंधुए भाई आते बहुत इंतजाम कर। प्रधान जी अब क्या करूँ मैं? अरे भौजी अब कछु इंतजाम कर दो भौजी। कोई इंतजाम नहीं, और तुझे उद्धव के टाट में घुस जाओ। उद्धव के टाट में ठीक है भौजी, कोई दिया सारा ही नहीं दिखा दे। कोई नहीं दिखा रहे, तुम जल्दी घुस जाओ और किवाड़ खुलवा रहे हो। आदमी आए ठीक है भौजी, ये गठाई हमारे ऊपर टाट रो धर दे। भीतर तो गुस्सा में रख दूंगी ऊपर से। जल्दी खोलो भाई, मरे मरे जा रहे हो। आ जाओ। हाँ क्या क्या हो रहा है? राम 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 राम। एरी तुम तो जो कहे हम सवेरे आएंगे। जो बता दे। हाँ आज तू इतनी रात में कैसे जग रही है? तुम्हें माले बनाई है एरी जी? कारो कारो तो कोठारो कुन्ना में। अरे नंदो ही भैंस ले आए ये वहां पर लबे हुए दिया। तो जी कपिसो कैसे रहो है? ए जे जाड़ा लग गया है। ला देख लंदे मोए। ए देख लंदे मोए। तू नहीं रहोगा जाओ। नहीं 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 बच्चे मत जाओ, ठंडा को मौसम है। देख अंदर मुझे बैठी वो रेंग रहा हुआ सवेरे पे। अरे बीमार है जी, मुझे लगते बच्चा मर जाता है। तो ही रहो बाप लड़े। अरे नहीं 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 बहुत देख है मुझे। अरे देख कैसे कर रहा हूँ बच्चा। अरे तू हटे हटे मुझे देख लंदे। एरी तेरी चिपो है ये बच्चा है? रे तेरी दाढ़ी का बंडा मारू तेरी को। छोरे तू जाओ कैसे घुसो? अरे भैया कैसे नहीं आते? अरे तो आज आज ऐसा कर देंगे हरो पीरो माफ कर दे। अरे तो आज माफ कर देंगे, सवेरे पंचायत जोड़े गांव में। अरे भैया ऐसा मत करो। अरे भैया हम तुम्हारे हाथ जोड़े 5 मिनट। सुन ले हम एक ही बात छोड़ सकते है तुम्हें। हाँ कैसे?
पांच पनिया तो जी हमारी घरवाई देगी। अच्छा वो पांच हम देंगे। अरे भैया तुम बीस बाल लो पर हमें छोड़ दो। चल रही मार जाम पांच पनिया। तुम पहले मारो ला मुझे तो फटाफटा दो जूता लाओ पहले डराओ सूखो तो हाँ ले तुम मारो पहले। हाँ पहले जाम पांच अब पांच तू मार जाम चप्पल पंद्रह मार ले आज जो फटो चक्कर में। अब तुम बैठ जाओ खानो खा लो। खानो बाद में खाऊंगो। हेरी जी दिए को आते ना दीवट जी कैसी ऊंची बनाए थे जी मैंने आज ही बनाई है दीवटे इतनी ऊंची और क्या जब दिया कड़ी कड़ी पे डालते तो मोड़ी मोड़ा तो मैंने ऊंची बना रही। हेरी जी दियो वाले कैसे रहा हुआ जी दीवट कैसी अलग जी ताजी मट्टी है आज ही लगाई है मैंने तने लगा जी देखे कैसी मट्टी जी देखा तो लग दे तू बड़ी तो नार करे बकती बैठी बैठी करा तू दीवट गिर पड़ी मैं नहीं है भाई। अरे तेरी दारी मारो जी दीवटी है अरे जी तो देख ले लुक्का को सोए। अरे तो आज तुमने हमारे घर को सत्यानाश कर डालो तुम जा में खूब दुबके आ गए। ऐसे नहीं छूटेगा बेटा तू। अरे भैया तू बहुत छोटा है तो मैं पचास पनंजा तो मैं हम देंगे पचास दे हमारी घर भाई। हाँ भैया जो देश हो पर भैया बैठ चल बैठ देरी जा में तुम पहले मारो जाए दो मारेंगे तू इतने मार देवर बना बना के छोड़ूंगी समझने हो तू जे बालंग ते दे कनपट्टी में हम जा लंग ते देंगे दे दे। अब आवेगो बता बेटा आवेगो हाँ तो निकल जा निकल जा अभी डट जा मुझे बहुत सके अभी तो अब क्या सके तुम्हें यार जी गांठो नहीं कदर हो जी ऊंचो सो कैसे लग रहा हो गांठो कैसे भूलेगो तो मुझे लग रहा है जी ठंड पहले जा मुझे आँच पर आके ताप लें दे। अरे चूल्हे पे ना हो तो भाई ना चला ताप मैं कहूं नहीं कर रहे मुझे ठंडा के मैं मर जा रहा हूँ हो तो जा ही मैं देता हूँ आँच भैया मुझे छोड़ दे उधर दादू हो मत देखो उधर कुंवरे भैया ओ हो जा मैं प्रधान वो तेरे देख लो जात को प्रधान है री जी प्रधान कैसे जाऊँ घुसो गांठे में। अरे मुझे जो लगा ते कहते हैं घर को पटपरो करवा लो जिन पे भैया देखे हमने गज बना गई दुआ में जोत बे प्रधान ऐसे नहीं छूटे जाओगे तुम। अरे भैया माफ कर दे हमारो जदी दे ये तक हुआ हम तो टेटुआ पाव अरे भैया हम तो फट गए ते मौ चौका रहेंगे हम। अरे भैया आया तो ऐसे नहीं छोड़े जाओगे उखाड़ ली जाएगी मौ चौका एक लंगी हम उखा रहेंगे ले मैंने उखाड़ ली जा बेटा भाग जाने से। अब तो बैठ जा खानो खा लो जो है वो सहेगा। बता दे जी ऐसे कैसे घर में घुसी आई हाँ मुझे मालूम है तू आई सब मैं तो भैंसी समाज ही तब इधर कंधे घुसे आए हेरी जी चकिया को चला रहे जी वो तो वो आ गई है फलानी पड़ोस की हद नहीं चीतो ही बाबू। हाँ वो बाकी घर है जिनका चूहे ही रहो चकिया जो कहीं हमारी फूट गई तो मैंने हमारे घर पीस ले आया तो सही संजय जी मरी ये चकिया चलाए हुए सवेरे के पैर आवती भूखी हती भाई घर का चुरा हो नहीं हो हेरी। हाँ तू गाँव दे कह रही तो या चीप तो की बबुए ने देखे नहीं लौटे गए जाके तुम तो बिल्कुल बावचो दे चली देखे लंदे मुझे तुम तो छोटी है बहू है ऐसी चुप है जा ऐसी बात मत करो भाई ना 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 हूं तो जाऊं तुम ऐसे मुंह से मंगो कह रही तू चले बेटे हटे तू ले हमें बचा ले देख लो कैसे कह रही बेचारी मेरी कैसी बबुए ने जाके तो हाथ पांव वैसे कछु तो मारो वाले को मजरा मुंह खोल अंदर मुझे ओ देख ले संडा तूफानी ए तेरी तूफानी। हाँ भैया तो तेरी माँ का चेत वैसाख मारे तूफानी जाए तो आज हिले लगा के छोड़ेंगे ला डंडा ला जाए हाथ पाने पहले बांध के और जब आज लट्ठू बजेगा मेरे भैया आज फंस गए हम तेरे हाथ जोड़े भैया माफ कर दे आज तो हम सुन लेते हो कारो मो करके और सवेरे गांव में पंचायत जोड़ेंगे। अरे भैया तू खूब जोर ले पर मुझे छोड़ दे ऐसे मत करो जा नहीं मार पीट ले बेइज्जती ना करो तो तू जा मैं पनन्या दे ले पंद्रह बीस हाँ दे मैं तो खो दे ले यहाँ पर तुम तो मुंह दे लो मुंह के दे लंदे भाग जा बेटा भाग भी तो नहीं हमारे घर है। अब बैठ लो तू ढंग दे ऐसा हो तुम्हारे समु तुम तो कल चलेगा फिर पियर हाँ बेरो मन चलाओ खीर पे। अच्छा और वैसे तो मालिक मैं तो घर से निकलू कड़ी खाए से मेरा काम भाभी भाभी का तू है जिस को भाभी कह रहे तू थे ऐसे बड़े बूढ़े भाभी का तो मता में किरकिर की भाभी रहो जिनकी जात का बंडा मारे जिनकी तू बनी आ गई तो नाक काट चाह तो पत्ते ने काटन नहीं दी मुझे तो तुम बता तब इनके संग मैंने ऐसे ऐसे काम करे सुनो का करे का करे
वैसे बाहर ही चतुर रहते ना सेठ बाबा दे के लंगत। अरे देखी बलम मेरी चतुराई जिन पाचन या उल्लू बनायाई देखी बलम मेरी करो। अब बता तुम्हें ये कहीं था मुझे भाभी कभी लागे और ये सामने बैठे तो भैया जे भाभी कर लेगे। अब मैं कहां आऊं तुम बताओ तू। हां अब कौन ही कहेगा बिना मालूम है कि फिर फंदा पर को तो बाकी नाक और कान कटे पांगे। इतना तो मेरी खीर पे मत चलो। अब कहीं का इतना लाओ मैं भाभी कह के पकड़ ले तू। अरे बड़ो अच्छो करो ते ना बहुत होशियार है तू बहुत। अरे 10 किलो चावल 20 किलो चीनी तू की टंकी भरा लाई देख बलम मेरी। अरे पूरे गांव के प्रधान दिए जो करा सो तो। हां हां प्रधान अट्टा तियो तियो जी भैया ससुर लगा तू है तेरा भाई गन नहीं कही नहीं बाकी मोचे तो खा ली गई ना कौन ने काट लेते है। बेटी की तैयन ने होका बेटी की तैयन ने समझाऊं देखे तो ना मालूम है सो हो तू है। अब हो निबलो तो कहते पुराने कहता कि निबल की लुगाई और जक्की भो जाई तो तो मैंने कूट हो गए लगे तब तू पनी आ गई तो मैं खा लो तार तार लग गया।